नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। हटा दमोह पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दमोह के कोरोना अस्पताल से फरार हुआ कोरोना संक्रमित एटीएम ब्लास्ट का आरोपी, नकली नोट बनाने का आरोपी देवेंद्र पटेल एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आया है। पहली बार दमोह की पुलिस ने आसपास के जिले में हुई वारदातों के बाद मशक्कत करते हुए इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। वहीं जेल भेज जाने के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव निकलने पर जिला अस्पताल के कोरोना अस्पताल से भाग जाने के बाद एक बार फिर दमोह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को पकड़े जाने की पुलिस की यह दूसरी सफलता है, जिसे पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बनाई गई टीम के द्वारा पकड़ा गया है। मामले के मुताबिक कोरोना वी प्लस एटीएम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड देवेंद्र पटेल, जो कि कुछ दिन पूर्व कोविड 19 सेंटर दमोह से इलाज के दौरान देर रात फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दमोह पुलिस लगातार सक्रियता से लगी हुई थी। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार चौहान, एएसपी शिव कुमार सिंह सहित नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी द्वारा बाजार मोहल्ले से बाइक चलाते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी को पकड़े जाने के बाद उसे नरसिंहगढ़ चौकी में रखा गया था। वहीं स्वास्थ्य टीम के साथ पुलिस टीम ने पीपीई किट पहनकर पूछताछ करते हुए उसे दमोह लाया गया, जहाँ पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हाँ, अभी हमारे पुलिस के टीम ने देवेंद्र पटेल को पकड़ा है और उससे प्रॉपर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी क्या उसको भर्ती वगैरह किया गया है, कैसा क्या है, कोरोना पॉजिटिव था? नहीं, अभी उससे बस पूछताछ की जा रही है। खबर समय जगत के लिए हटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।